के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ, जितनी दाढ़ी रखना चाहता हूँ माशाल्लाह, ब्राय मेहरबानी मुझे बताएं कि नबी सल्लम की दाढ़ी शरीफ कितनी थी? एक मुट्ठी थी, सीना भरती थी, नाव तक थी? मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं, आपका वर्जन क्या है? मेरा वर्जन मेरे भाई यूट्यूब पे आए रिकॉर्डेड है, दुनिया में दाढ़ी के ऊपर किसी का इतना क्लिप नहीं देखा गया, 6-7 लाख लोग देख चुके हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पर लिखें दाढ़ी की लंबाई, दाढ़ी कितनी हो, इंजीनियर साहब का क्लिप टॉप पे होगा, मेरा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं, क्लिप टॉप पे आ जाएगा। लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बंदे होंगे, साथ छोटी सी मेरी भी तस्वीर लगी होगी साथ, शेख जुबैर साहब की, उसके हेडिंग क्या है कि क्या ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ सुन्नत के मुताबिक है? नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मेरे भाई नाहर तक थी, एक ही हदीस है दाढ़ी के ऊपर। शुमाइल तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी की किताब में एक ताबी है यजीद अल फारसी, वो ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से आगे कहते हैं कि आज रात मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत की है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, सहाबी हैं, उन्होंने तो हुजूर को देखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं बेटा बयान कर, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुझसे बयान करो। तो वो हुलिया बयान करते हैं और कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारक, बाल मुबारक, इसी तरीके से ये भवें, चेहरा मुबारक गोल और हाथों का गोश्त, ये सारी चीज़ें बयान करते हैं। कहते हैं कि दाढ़ी पूरे चेहरे मुबारक पे गोल फैली हुई थी और सीने मुबारक पे, वो कहते हैं कि दाढ़ी सीने मुबारक सामने जो है वो नहर तक थी। नहर, नहर इसे कहते हैं कि गले और सीने का जोड़, तो ये एक मुट्ठी बनती है। नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी एक मुट्ठी थी, इससे लंबी नहीं हुई कुदरतन, इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर, अबू हुरैरा और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये तीनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे, बाकियों की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अबू हुरैरा और अब्दुल्ला बिन उमर ये दो ही सहाबा हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मुछे पस करो वाली हदीस रवायत की है और दोनों मुट्ठी के बाद काटते थे। दाढ़ी की शरी लंबाई मुट्ठी ही है, इसके बाद अगर कोई रखे तो सिर्फ जायज़ है। बहरहाल बेहतर तरीका यही है कि नबी अलैहिस्सलाम से आगे ना बढ़ा जाए, दाढ़ी मुट्ठी ही रखी जाए। मैं तो दाढ़ी काटता ही नहीं हूँ, ये ना समझें मैं अपने लिए वार कर रहा हूँ, मेरी तो दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी हुई नहीं है। इसके अगेंस्ट सुनन नसाई में हदीस है, जो दाढ़ी को घिरा लगाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ऐलान बरात करते हैं, जिन्होंने लंबी रखी है वो अंदर यूं फोल्ड करके रखी होती हैं वो हराम है। बाकी मेरा वो क्लिप देख लें, सहाबा का इजमा है कि दाढ़ी कम अज़ कम सुन्नत मौक्कदा मुट्ठी है और मुट्ठी से बड़ी रखेंगे तो जवाज़ की हद तक है और मुट्ठी से कम रखेंगे तो वाजबियत आपकी अदा हो जाएगी। मैं मौलाना मदूदी के साथ हूँ कि जो छोटी छोटी दाढ़ी भी रख ले, जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए, वो गुनाह से पाक हो जाएगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजूसियों की मुखालफत करो वो दाढ़ी मुड़ाते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरतों जैसी शक्ल ना बनाओ, उन औरतों पर लानत जो मर्दों की नकल करें, उन मर्दों पर जो औरतों की नकल करें। औरत की दाढ़ी नहीं होती, मर्द छोटी सी दाढ़ी भी रख लेगा औरतों से मुखालफत हो जाएगी। और वो कुरान का जो हुक्म है सूरतुन्निसा आयत नंबर 119, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्कल्लाह, शैतान ने कहा था कि मैं लोगों को उभारूंगा कि ऐ अल्लाह वो तेरी तखलीक को बदलेंगे, यानी अल्लाह ने मर्द बनाया वो मूंड के अपनी शक्ल औरत वाली कर लेंगे। तो जो दाढ़ी मूंडता नहीं है, छोटी छोटी दाढ़ी भी रख लेता है, वो हराम से बच जाएगा, अलबत्ता अगर वो मुट्ठी रखता है तो सुन्नत मौकदा के ऊपर अमल हो जाएगा। ठीक हो गया जी।